देख गाइस, ये चीज मेरे को बहुत शानदार लगती है। गाइस ये है गोगा गेट। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बीकानेर और मेरा भाई मेरे को छोड़ने के लिए जा रहा है। लिया 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 भाई लिया लिया। आओ 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 तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। सर्दी से हमारी दूजनी छूट गई। तो गाइस हम जो है फाइनली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और आपसे रेलवे स्टेशन आज बीकानेर जाने वाले गाइस, आपको बीकानेर का रेलवे स्टेशन भी दिखाएंगे। बहुत शानदार तरीके से वहां पे कलाकृति बना रखी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस ये वाला जो है मेरे को अभी स्टेशन पे करना पड़ा क्योंकि घर पे बहुत लेट हो गया, पापा ने व्लॉग बनाने दिया, अगर जल्दी जा तो ट्रेन मिस कर देगा, ठीक है। और गाइस अभी क्या हुआ, मैं डेली चूरू जाता हूँ, मेरे पास एमएसटी है तो मैं सीधा यहाँ पे आ गया। मैं भूल गया मुझे टिकट कटानी है, फिर एकदम से याद आया, फिर मैं अभी टिकट कटवा के आया हूँ। गाइस एक बात मैं पहला कहना चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को है ना 240 या 360 क्वालिटी में देखो, क्योंकि कोई लोग कहते हैं यार क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। भाई क्वालिटी अच्छी आ रही वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस रेजुलेशन पे उसको देखते हो। ट्रेन आ गई है शायद गाइस, अभी नहीं यार ट्रेन नहीं आई, वो तो एक्सप्रेस थी अभी, जोधपुर एक्सप्रेस अभी आएगी हमारी वाली, डेमो ट्रेन है। और डेमो ट्रेन में ये होता है कि वो पूरी मतलब एक ही होती है, उसके अंदर बीच में डिवाइड नहीं करके रखते हैं डब्बर को, उनके जैसे दुकान होती है उनके नीचे शटर लगा के रखते हैं वैसे होता है उसमें गेट। तो अगर ऊपर ऊपर कर दें तो वो एक हो जाती है पूरी। मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेन के अंदर जाके। तो गाइस अभी मिलते हैं अपन ट्रेन के अंदर। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ अभी टाइम देखो कितना बदल गया, मतलब ये है मैं दिखाता हूँ 1/4/2009, ये देखिए दोस्तों 1/4/2009 की बात है, ठीक है। इस वक्त जो किराया था वो देखो, सादुलपुर का 13 रुपये किराया, फिर चूरू का 4 रुपये किराया, भाई अभी एक बार जाने का 30 रुपये किराया है और उस वक्त 4 रुपये, मतलब 26 रुपये का फर्क आ गया। 21 मतलब कितने साल में, 10 गया 13 साल में 21 रुपये का फर्क। गाइस 21 रुपये सिर्फ इस किराए में बढ़ गए। और झुआरपुरा का 2 रुपये, बीकानेर का है, बीकानेर ये देखिए बीकानेर के सिर्फ 23 रुपये और अभी इसके लगते हैं 70 रुपये, और आधा मतलब अगर कोई बच्चा है ना छोटा तो उसके 12 रुपये लगते हैं। कितना सस्ता था पहले, लेकिन पहले क्या अपन को इतना कमाने को भी नहीं मिलता था, अपन सैलरी भी जो थी वो बहुत कम होती थी। ये क्या है समय सारणी, ये गाइस समय सारणी है, ये हमारा जो है गांव का पुराना रेलवे स्टेशन था। गाइस हमारे जो है रेलवे स्टेशन प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट नहीं। ये है भाई यहाँ का कमाल, अभी 2:45 हो गई और ये अभी हम मौली सर पहुँचे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस अभी मौली सर आए हैं, अभी इस वक्त गाड़ी होनी चाहिए रतनगढ़ से आगे होनी चाहिए गाइस, लेकिन अभी तक ये यहाँ पे आ रही है। लेट वाला चक्कर क्रॉसिंग है, 2 ट्रेन हमारे गांव से पहले ये 2:20 पे आई, इसका टाइम है 2 बजे का, वहाँ पे 2 ट्रेन निकल गई, अभी 1 ट्रेन निकल गई, अभी एक और क्रॉसिंग है गाइस, इसकी वजह से इतना लेट हो रहा है यार, कब पहुँचाएगी मेरे को शाम को। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं डूंगरगढ़, देखो गाइस हम डूंगरगढ़ आ गए, श्री डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ में आपका स्वागत है दोस्तों। ये देखिए गाइस डूंगरगढ़, एक बार एक अमेरिका में अपने अमेरिका ने कपिल शर्मा शो में बोला था कि राजस्थान के गांव कुछ ऐसे हैं कि उनके आगे भी श्री लगाया जाता है, जैसे श्री डूंगरगढ़, श्री गंगानगर। गाइस ये टाइम ऐसे कैसे दिखा रहा है यार, मोबाइल एकदम कैमरा सही है, नॉर्मली एकदम सही है ये टाइम। गाइस अभी आ गया है सूरसर, सूरसर आपको बताता हूँ, सूरसर गांव राजस्थान के अंदर है और वहाँ के बड़े जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे बताए जाते हैं। पहले के टाइम में तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आजकल मतलब अच्छे नहीं बनाते, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रहा कोई भाई अगर सूरसर का है तो बुरा मत मानना, मतलब पहले जो थे वो अच्छे बनाते थे, लेकिन आज के टाइम में तेल की क्वालिटी पहले से थोड़ी अच्छी नहीं रह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो फिर भी वो बड़े जो है ट्राई करके देखेंगे। गाइस लेके आना पड़ेगा अंकल जी, जल्दी 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 20 किए दे, दे लो बड़ा नहीं 10 की बैर 10 किया, ले लो जल्दी करो।
तो यार वो जो ठेला था, मतलब पहले तो बहुत होते थे, जहाँ भी ट्रेन रुकती उसके एकदम खिड़की जस्ट पास में मिल जाता था। आज थोड़ा आगे था तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं भाग के लेके तो आ गया गाइस। ये रबड़े और ये रबड़ी, पहले ये रबड़ी जो थी लगभग 2-3 साल पहले 5 रुपए की मिलती, लेकिन अभी ये 10 रुपए की करती। तो गाइस चलो अभी हम बड़े खाते हैं। गाइस इस बार बड़े बहुत अच्छे थे यार, मैंने गलत बोल दिया शायद, है ना। लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं जब पहली बार है, पिछली बार जब आया था तो इतने अच्छे नहीं थे तो मैंने बोल दिया, लेकिन इस बार तो एकदम गर्म भी थे। पहली बार मेरे को सूरसर में गर्म गर्म बड़े मिले हैं और अच्छे रबड़ी मिले, तो गाइस इस बार एक लाइक तो बनता है सूरसर। सेकेंड लास्ट रेलवे स्टेशन है बीकानेर से पहले, गादवाना नाम है इसका। अभी आ गए देखो भाई, गादवाना अभी इसके जस्ट बाद में बीकानेर है। भाई लोग वो है पीछे पीबीएम वाला पुल, उस पुल के जस्ट उस साइड पीबीएम है, और ये हमारा यहाँ पे ट्रेन ख़राब हो जाती है तो यहीं पे सही करते हैं। कोच केयर डिपो उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर। और तो गाइस 4-5 मिनट और लगाई, 5 मिनट और लगाएगी ये मेरे को रेलवे स्टेशन पहुँचाने में। तो गाइस फाइनली इस 3 घंटे के रास्ते को इस ट्रेन ने मुझे 4 घंटे में आखिरकार बीकानेर पहुँचा दिया। और गाइस खास बात बताऊँ आपको, ये जो ट्रेन जा रही है ना, यही ट्रेन जो मेरे को लेके आई है, यही ट्रेन मेरे को वापस पहुँच, मतलब मेरे को नहीं, मतलब ये वापस जाएगी हमारे गांव, हमारे गांव का भी नहीं कह सकता कि स्पेशली वहीं पे वापस नहीं जाएगी, ये ट्रेन जाएगी अभी चूरू, चूरू के लिए। यही डेमो है, ये 2 राउंड निकालती है, एक सुबह चलती है 10 बजे, जो 2 से 3 बजे हमें पहुँचाती है, लेकिन वो 1:25 पे, और वो 1:25 वाली ट्रेन वापस आती है, वो हमें पहुँचाती है ये 5 बजे, लेकिन वो 5 बजे आज हमें 6 बजे पहुँचाई है। गाइस हमारे गांव आके मेरे को, गांव तो नहीं लेकिन यार मैं मेरे चूरू मेरे रियल गांव से ज़्यादा मैंने यहाँ बीकानेर टाइम स्पेंड किया तो अच्छा तो लगेगा ना यार। चलो गाइस अभी आपको बाहर चल के दिखाता हूँ उसे। अरे भाई एक बात और यार, मैं बीकानेर की सर्दी को हल्के में ले रहा था, या कुछ आज ज़्यादा सर्दी कुछ मेरे को वैसे लग रहा है, मेरे गाँव में भी आज कुछ ज़्यादा सर्दी थी, आज ज़्यादा ही धुंध थी। वैसे मैंने कहा यार, कल बोल रहा था मैं चूरू बीकानेर में इतनी सर्दी नहीं पड़ती, चूरू में ज़्यादा पड़ती है। सर्दी ने बोला यार तू आ तो सही, कल मैं बताता हूँ तेरे को। भाई 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतारे, 5 नंबर पे अभी 1 नंबर पे जाना है, 1 नंबर इस साइड है, उस साइड है गाइज 1 नंबर, अभी चलते हैं। ये देखो गाइज पूरा नज़ारा दिखाता हूँ आपको, है क्या इतना शानदार है यार बीकानेर का रेलवे स्टेशन, बीकानेर जंक्शन। हमारी ट्रेन वो खड़ी वहाँ पे हम जिसमें आए थे। तो गाइस अभी अपन चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे फाइनली। गाइस वो देखिए बिल्डिंग, वो है विशाल मेगा मार्केट, वहाँ पे एक बार गाइस पहले आग भी लग गई थी। एकदम मेन गेट यहाँ का, आते हैं जब अंदर आना हो तो उस साइड से गेट से, और जब निकास द्वार बाहर निकलना हो तो उस साइड से। ये देख गाइस ये चीज़ मेरे को बहुत शानदार लगती है यहाँ की। ये देख गाइस उस साइड से आपको जाके दिखाता हूँ, देखो देखो वो फोटो ले रहा है भाई, फोटो ले रहा है। अरे भाई ये ऊँट गिरा देगा, एक ऊँट हमारे पास भी है लेकिन वो असली वाला है भाई, उस पर ऐसे लेके फोटो में खींचने लग जाना। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए उस आदमी को देखो भाई, वो क्या है डॉगी भाई, कुत्ता ऊँट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गाइज यहाँ पे हमें टैक्सी का वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि गाइज अगर हम वहाँ से टैक्सी करते पहले दिख रहा है तो इतनी सी दूर में 20 रुपये फर्क पड़ता है। चलो हम चलते हैं अभी। गाइज ये है गोगा गेट, इस साइड की जो रोड जाती है वो पीबीएम की ओर जाती है, बल्कि अगर आपको देशनो और मोका की साइड जाना तो आप ये वाला रोड ले सकते।
बिल्कुल जीवन पूरा करने के लिए शौक होना जरूरी है। सही है। गाइस हमें देखो ये भैया मिले और वास्तव में इन्हें एकदम दिल की बात बोली है कि भाई जो भी अपना पैशन होता है ना उसको फॉलो करना चाहिए यार भाई। शौक क्या शौक वाला डायलॉग भैया वापस बोलो यार एक बार। अब डायलॉग क्या? अरे वो जो बोला था ना हमने, अरे बताओ था यार भैया डायलॉग भूल गए भाई। भैया को जब इमिडिएटली बना लेते हैं भैया डायलॉग। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिल यार। एक सब्सक्राइबर भी बढ़ा मेरे भैया ने। पुराना बस स्टैंड और नया वाला जो बस स्टैंड था वो पीछे था और ये वाला है पुराना बस स्टैंड गाइस। ये देखो मेरे को एकदम अच्छे से याद है, पहले मैं जब यहाँ रहता था तो कचौरी डेली खाने आता था गाइस। भाई इस रोड का नाम कांकरिया रोड हम इसलिए बोलते थे क्योंकि वहाँ पे पहले ही पहले बहुत सारे पत्थर थे, लेकिन अब तो इसका नाम कांकरिया रोड बस आदत से पड़ गई है। यहाँ पे इतनी अच्छी रोड बन गई यार। और वो सामने दिख रहा है ना आपको गाइस, वो घर दिख रहा है ना गाइस, क्या शानदार कॉलोनी बनाई है। उसका नाम मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद है लगभग वो मधुबन वाटी का नाम होगा उसका, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। अभी यहाँ पे अभी सीधा घर जाते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर पे आ गया हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये है मेरा भतीजा अंशुमन। अंशुमन कौन सी क्लास में आ गया तू? फिफ्थ क्लास में आ गया। इस बार बोर्ड है इस बार गाइस फिफ्थ क्लास में बोर्ड लगाने, और अभी तो वो बात कर रहे हैं कि टेंथ में बोर्ड हटाने की, तो टेंथ में हटा रहे हैं तो एट्थ और फिफ्थ में तो अपने आप हट जाएगा, तेरे को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, अभी बोर्ड हटवा दें। गाइस फाइनली मैं अपने घर पर आ गया हूँ, थोड़ा सा मैं आपको घर दिखा देता हूँ। वो है मेरी बहन, किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं करती। हाँ तू तैयार हो रही होने दस तेरह लोग बस खुश आगे गले। तो गाइस अभी अपन चलते हैं। अरे नहीं लिया यार तेरे को ब्लॉग में बोल दिया ना। तो गाइस फाइनली अभी हम चलते हैं हमारी मर्सिडीज बेंज को लेकर जो कि इलेक्ट्रिक है। चल आजा अंशु बना दे बैठ यार चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम अब आए हैं मंगलम के अंदर। तो मंगलम आपको सुनाया, बीकानेर का आपने नाम सुनाया तो मंगलम का आपने सुना ही होगा भाई। एक हाँ बाबा रामदेव कॉलोनी वो नहीं है, वो पीछे है भाई। एक सामने से गाड़ी आ जाए ना मेरे शक्ल पे, मतलब थोड़ी लाइट पड़े तो अच्छा कैमरा दिख जाए, क्योंकि मेरे पास गोप्रो तो है नहीं, मैं नॉर्मल वीवो YS12 से रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो वो आगे जो है वो वहाँ पे मंगलम है। तो गाइस बिल्डिंग देखो, ये कितना फ्लोर है यार, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइस 10 मंजिला है। और यहाँ पे देखिए शानदार बने हुए फ्लैट बन गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए गाइस। अभी चलते हैं गाइस, ये लो लाइट आ गई थोड़ी बहुत फोक्स पड़ गया है। ठीक है अंकु चले यार, अब तेरे कहने पे आ गए हम मंगलम पे, यहाँ का व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया चल। तो गाइस फाइनली हम अब आए हैं मंगलम के अंदर। तो मंगलम आपको सुनाया, बीकानेर का आपने नाम सुनाया तो मंगलम का आपने सुना ही होगा भाई। एक हाँ बाबा रामदेव कॉलोनी वो नहीं, वो पीछे है भाई। एक सामने से गाड़ी आ जाए ना मेरे शक्ल पे, मतलब थोड़ी लाइट पड़े तो अच्छा कैमरा दिख जाए, क्योंकि मेरे पास गोप्रो तो है नहीं, मैं नॉर्मल वीवो YS12 से रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो वो आगे जो है वो वहाँ पे मंगलम है। तो गाइस बिल्डिंग देखो, ये कितना फ्लोर है यार, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइस 10 मंजिला है। और यहाँ पे देखिए शानदार बने हुए फ्लैट बन गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए गाइस। अभी चलते हैं गाइस, ये लो लाइट आ गई थोड़ी बहुत फोक्स पड़ गया है। ठीक है अंकु चले यार, अब तेरे कहने पे आ गए हम मंगलम पे, यहाँ का व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। फाइनली यार आज अभी ये व्लॉग अपन इतना ही खत्म करते हैं। खत्म कर दे अंशुमन, ये बोल रहा भाई कर दो, इसको पता भी नहीं सुबह मैंने कब चाहा था व्लॉग। आज यार व्लॉग में बहुत लेट हो गया, लेकिन मैंने आपको उतना कंटेंट दे दिया, आराम से देखो 10-12 मिनट का हो गया। लेकिन यार जब मैं ऐसे सोचता ना कि आज व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, उस दिन तो व्लॉग छोटा हो जाता है, और जिस दिन छोटा हूँ यार आज तो कुछ मैंने इतना क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया, उस दिन व्लॉग बड़ा हो जाता है। मतलब भाई तेरे को 3 दिन तो हुए हैं, तू ऐसे क्यों बोल रहा है कितना व्लॉग होता है। तो गाइज आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।